राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अधिवेशन में सम्मिलित होने आए सभी प्रतिनिधियों का देश की राजधानी दिल्ली में बहुत स्वागत है। तालकटोरा स्टेडियम देश को प्रभावित करने वाले न जाने कितने सम्मेलनों का गवाह रहा है। राष्ट्रीय जनता दल गरीबों का, गरीबों के लिए, गरीबों द्वारा स्थापित राजनीतिक दल है, जिसने 5 जुलाई 1997 से लेकर अब तक लगातार अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष व गरीबों मजलूमों के रहनुमा आदरणीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में लोकतंत्र, संविधान, समाजवाद, सामाजिक सौहार्द व भाईचारा बचाने की लड़ाई लड़ी है। यह केवल पार्टी नहीं बल्कि भारत के करोड़ों लोगों की उम्मीदों, आकांक्षाओं व आशाओं की पूरक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के बाद से न जाने कितने समाजवादी दल बने, टूटे, न जाने कितने राष्ट्रीय नेताओं ने इस देश को सींचा, जिनमें आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य कृपलानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, एस एम जोशी, मधु लिमये, यूसुफ मेहर अली, किशन पटनायक, मधु दंडवते, चौधरी चरण सिंह, राज नारायण, रवि राय, मामा बालेश्वर दयाल, ताऊ देवीलाल, कर्पूरी ठाकुर आदि प्रमुख हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अंतिम व्यक्ति व अंत्योदय की प्रेरणा, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जातिविहीन समाज की स्थापना के संकल्प, डॉक्टर लोहिया की सप्त क्रांति व विशेष अवसर के सिद्धांत एवं लोकनायक जयप्रकाश नारायण की व्यवस्था परिवर्तन हेतु संपूर्ण क्रांति के सूत्र को लेकर राष्ट्रीय जनता दल चल रहा है। मंडल आंदोलन के अगुवा नेता के रूप में माननीय लालू प्रसाद जी ने जननायक कर्पूरी जी द्वारा अति पिछड़ों को दिए गए आरक्षण को बढ़ाकर 14% और आदरणीय राबड़ी जी ने 18% किया। राष्ट्रीय जनता दल इस देश का इकलौता दल है जिसने अपने सांगठनिक चुनावों में पिछली बार ही बूथ को प्राथमिक इकाई मानकर प्रखंड से लेकर जिले तक में दलितों, आदिवासियों को 17% एवं अति पिछड़ों को 28% आरक्षण देकर पूरे देश की दलीय व्यवस्था के सामने एक अद्भुत मिसाल पेश की है। इससे समाज के सभी तबकों के बीच से नेतृत्व उभारने के मौलिक प्रयास का पता चलता है। इससे बाकी पार्टियां भी प्रेरित होंगी और भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में पहल करेंगी। एक ऐसे वक्त में जबकि भारत की राजनीति में विपक्ष की अपेक्षित व प्रभावी भूमिका को शिथिल करने के लिए सत्ता द्वारा देश की स्वायत्त संस्थाओं का दुरुपयोग करने की बातें जनमानस के बीच तेजी से प्रसारित हो रही हों, विपक्षी दलों, खासकर क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की कुत्सित कोशिशें हो रही हों, बिहार के हालिया सियासी प्रयोग ने देश के उदास लोगों को राहत की सांस दी है एवं विभिन्न प्रांतों के विपक्षी नेताओं के चेहरे पर पसरी निराशा की लकीरों को कुछ हद तक मिटाने का काम किया है। बिहार में यह चौंकाने वाला किंतु दुस्साधनों का प्रयोग किए बगैर स्वतः स्फूर्त सत्ता परिवर्तन अपने साथ बड़ी ऊर्जा व संदेश समेटे हुए है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी 2 वर्ष हैं, पर अभी से अगर लोगों के जहन में गहरे तक यह बात घुसा देने में कॉरपोरेट कम्युनल ताकतों का गठजोड़ कामयाब होता दिख रहा था कि आएगी तो भाजपा ही, तो उस भ्रांति व प्रोपेगेंडा को बिहार के इस स्वाभाविक राजनीतिक महागठबंधन ने धारणा के मामले में जबरदस्त आघात पहुंचाया है। डॉक्टर लोहिया सितंबर 1952 में द विल टू पावर में कहते हैं, किसी भी राजनीतिक दल की सबसे बड़ी परीक्षा सत्ता में आने की उसकी इच्छा में निहित होती है। अपने देश में इस इच्छा के इर्द गिर्द एक जिज्ञासा भरी अस्पष्टता को पनपने दिया गया, मानो सत्ता की इच्छा रखना पाप हो या कम से कम बदसूरत हो। स्वस्थ इच्छा झूठ, ठगी व हिंसा का सहारा नहीं लेती, सिर्फ कुंठित इच्छा कुत्सित विकृत आचरण में लिप्त होती है और अपनी ही निराशा द्वारा लील ली जाती है। इस कड़ी में लोहिया व जयप्रकाश के वैचारिक शिष्य लालू प्रसाद जी ने आरंभ से ही इस देश व समाज के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को महफूज रखने की भरसक कोशिश की है। लालकृष्ण आडवाणी की उन्मादी रथ यात्रा को रोकने से लेकर सीतामढ़ी में भर के दंगे को शांत कराने के लिए वहां कैंप करने तक अनेक मिसालें दी जा सकती हैं। इससे दुनिया भर में जहां उनके यश में इजाफा हुआ, वहीं इसकी कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ी। वर्चस्वशाली ताकतों ने उन्हें तबाह करने में
कोई कसर नहीं रखी। लेकिन राजद का सबसे बड़ा मकसद बिहार व देश में फासीवादी ताकतों को आगे बढ़ने से रोकना है, और इसके लिए मोहतरम नेता लालू प्रसाद जी व माननीय तेजस्वी यादव जी किसी भी लोकतांत्रिक हद तक जाने के लिए तैयार हैं। वरिष्ठ समाजवादी नेता आजम खान जी ने 2017 में लालू जी के योगदान को रेखांकित करते हुए कहा था, लालू प्रसाद जी पर कौन सा सितम नहीं ढाया गया, पर सीबीआई, ईडी व इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का खौफ लालू जी के कदमों को डगमगाने में कामयाब नहीं हो सका। भाजपा जिस तरह से क्षेत्रीय दलों को अमर्यादित और अनैतिक तरीके से नेस्तनाबूद करने में लगी थी, ऐसे में राजद यह अपनी जिम्मेदारी समझता है कि अपनी पूरी ताकत से बीजेपी का मुकाबला करे और क्षेत्रीय पार्टियों को बचाए। हम ये मानते हैं कि रीजनल पार्टीज ओरिजिनल पार्टी हैं जो क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति में सर्वथा सक्षम होती हैं और देश के सम्यक विकास में सहायक भी। 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन ने शानदार सफलता अर्जित की, पर सरकार बनाने हेतु आवश्यक आंकड़े से थोड़ा सा दूर रह गए। पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कमाई, सुनवाई व कार्रवाई जैसे जनसरोकार के मुद्दों को चुनावी विमर्श का हिस्सा बनाने व अपने इस एजेंडे पर एनडीए को आने को मजबूर करने के उनके तेवर को बिहारियों ने जाति बिरादरी से ऊपर उठकर न सिर्फ पसंद किया बल्कि उन पर मुहर भी लगाई। तब से तेजस्वी यादव जी का देश की राजनीति में अपना अलग आभा मंडल दिखा। उन्होंने हर दस वर्ष में होने वाले जातिवार जनगणना को जातिवार कराने की मांग पुरजोर तरीके से उठाई व हर राजनीतिक दल को इस पर स्टैंड लेने के लिए बाध्य किया। उनके प्रस्ताव पर नीतीश कुमार जी एक शिष्टमंडल लेकर प्रधानमंत्री से मिलने गए, लेकिन कोई ठोस आश्वासन व पहल कदमी देखने को नहीं मिली। उधर विधानसभा के अंदर पुलिस को बुलवाकर विधायकों को पिटवाया गया। जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात छेड़कर अल्पसंख्यक समुदाय को चिढ़ाया जाता रहा। इन सबसे सेक्युलर लोग असहज होते रहे। तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने सदन में दहाड़ते हुए कहा, किसी माई के लाल में दम नहीं है जो मुसलमान भाइयों से उनका वोटिंग राइट छीन ले। धर्म को आत्म परिष्कार व चित्त शुद्धि का माध्यम मानने के बजाय मस्जिद के पास जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने का औचित्य किसी को समझ नहीं आ रहा था। धर्मनिरपेक्ष राजनीति के पर्याय लालू प्रसाद जी ने अस्पताल से छूटते ही कहा, ये सब बहुत गलत बात है, ये देश को टुकड़ा करने के बराबर है, आप क्यों जा रहे हो मस्जिद के पास, हनुमान चालीसा पढ़ना है तो अपना मंदिर में पढ़ो ना भाई, ये तो इरिटेट किया जा रहा है ना लोगों को कि ये लोग रिएक्ट करे और दंगा फसाद हो, ये बहुत बुरी चीज होगी देश के लिए, बहुत खराब। हम जहां थे वहीं हैं, हम बीजेपी के खिलाफ कल भी थे और बीजेपी के खिलाफ आज भी हैं। बीजेपी को रोकने के लिए जो भी जरूरी है हम करेंगे, इसलिए ही हम फिर से अपने उन पूर्व सहयोगियों को साथ ला रहे हैं जो किन्हीं कारणों से हमसे दूर चले गए थे। पूरे देश में विपक्ष को लामबंद करने के काम में लालू प्रसाद जी जुटे थे, पर 2017 के प्रकरण ने से उस मुहिम को थोड़ा पलीता लग गया था। जहां तक 2015 के बाद एक बार फिर संख्या में अधिक रहने के बावजूद नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात है, तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि राजद और लालू जी ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है। तेजस्वी यादव जी के भीतर कोई अहंकार नहीं है, उन्होंने देश हित में सिर्फ हाथ ही नहीं दिल भी मिलाया है। 2013 में भी नीतीश कुमार जी जब एनडीए से अलग हुए थे उनकी सरकार खतरे में आ गई थी, लेकिन लालू प्रसाद जी ने उन्हें बाहर से समर्थन दिया और सरकार बचाई। लोकराज जब चलता है तो संख्या बल हमें और विनम्र, उदार और जवाबदेह बनाता है। हम आशा करते हैं कि यह बात राजद के एक एक कार्यकर्ता समझेंगे और समझते हैं। हमारा मूल मकसद किसी भी तरह से धर्मनिरपेक्षता व सामाजिक न्याय को बचाना है, ताकि इस उदारीकरण के नाम पर उधारीकरण के दौर में लैंगिक न्याय, आर्थिक न्याय व जलवायु न्याय क्लाइमेट जस्टिस को सुनिश्चित किया जा सके। लालू जी अक्सर कहते हैं, विदाउट पीस देयर इज नो प्रोस्पेरिटी, शांति रहेगी तभी समता व समृद्धि की यात्रा हम पूरी कर सकेंगे। बहरहाल पूरे देश में नए उत्साह का संचार हुआ है, हमें आशान्वित रहना चाहिए कि चीजें बदलेंगी।
आज देश के जो हालात हैं उन्हें देखते हुए राजद अपनी नैतिक व राजनैतिक जिम्मेदारी समझता है कि देश भर के अंदर गैर बराबरी, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, सामाजिक उन्माद, सांप्रदायिक तनाव को समाप्त करने की मुहिम छेड़ी जाए। जब जब देश पर तानाशाही का संकट आया है, हुकूमत खुद को सर्वशक्तिमान मान बैठी, बिहार उठ खड़ा हुआ है। हमें याद रखना चाहिए कि 1977 में किस तरह सभी दल अपने अपने ईगो को छोड़कर साथ आए और कारवां बनता गया। फिर 1988-89 में पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश एक सूत्र में जुड़ा, साझा विरासत बचाने की लड़ाई लड़ी गई। 1974 की संपूर्ण क्रांति से लेकर 1988-89 में देश को साफ सुथरी सरकार देने के राष्ट्रीय मोर्चा के आह्वान और फिर 1996 में संयुक्त मोर्चा का देश की गद्दी संभालना, ये सब साझा प्रयास से मुमकिन हो पाए। लालू प्रसाद जी, वीपी सिंह जी, रामकृष्ण हेगड़े जी, एसआर बोम्बई जी, एनटी रामाराव जी, एम करुणानिधि जी, प्रफुल्ल कुमार महंत जी, ज्योति बसु जी, हरकिशन सिंह सुरजीत जी, इंद्रजीत गुप्ता जी, मुफ्ती मोहम्मद सईद जी, मधु दंडवते जी, बीजू पटनायक जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, श्री चंद्रशेखर जी, ताऊ देवीलाल जी, मान्यवर कांशीराम जी, अजीत सिंह जी, शरद यादव जी, रामविलास पासवान जी, एच डी देवेगौड़ा जी, आई के गुजराल जी आदि के निरंतर प्रयास से एक मोर्चा बन पाया और देश को विकल्प मिल सका। इस मोर पर हम एकता का आह्वान करते हैं और अब और कोई बिखराव हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आज की तारीख में स्थित प्रज्ञ होकर पूरे जीवट के साथ मौजूदा हुकूमत की ज्यादतियों से मुकाबला करने की जरूरत है और देश भर के नई पीढ़ी के नेताओं में तेजस्वी प्रसाद में वह अपेक्षित ठहराव, गांभीर्य व प्रखरता दिखती है। पहले भी उप मुख्यमंत्री के रूप में शालीनता के साथ उन्होंने अपना दायित्व तो निभाया है। लालू प्रसाद जी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में राष्ट्रीय जनता दल ने हर ज्वलंत सवाल पर संघर्ष किया है, चाहे वह महिला आरक्षण के मामले में कोटे में कोटा की वकालत हो या जातिवार जनगणना के सवाल पर यूपीए 2 की सरकार में संसद के अंदर आम सहमति बनाना हो। बिहार ने जिस तरह से साहस दिखाते हुए जो अभिनव प्रयोग किया है, उससे जहां एक ओर प्रदेश व देश में सोशल जस्टिस व डेवलपमेंट का एक सुंदर मॉडल दिखेगा, देखने को मिलेगा, वहीं दूसरी ओर देश के बाकी प्रांतों में भी 2024 के समर के लिए लामबंदी तेज हो सकेगी, सही दिशा में चल सकेगी। भारत अपनी विविधता व बहुलता से भरे समाज के अंदर सहअस्तित्व के लिए जाना जाता रहा है। जब देश ने एक लोकतांत्रिक गणराज्य की शक्ल अख्तियार की तो इसके संविधान ने यह सुनिश्चित किया कि भाषा, जाति, धर्म, लिंग व क्षेत्र के आधार पर यह अपने नागरिकों में भेद नहीं करेगा। लगातार सामाजिक सद्भाव की बात भी हमारे पुरखों के द्वारा दोहराई गई। एक राजनैतिक दल का काम चुनावी गुणागणित और सांस्कृतिक वर्चस्व के लिए अतिक्रम करना नहीं, बल्कि संवेदनशील व चेतना संपन्न नागरिकों की जमात तैयार करना है, जो देश को महज भौगोलिक परिधि न समझे, राजनीति सिद्धांत व विचार की हो या व्यवहार की, यह हमेशा से बड़ा प्रश्न रहा है। मोटे तौर पर इसे यूं समझा जा सकता है कि यथास्थितिवादियों की एक बड़ी लंबी जमात है जो यह मानती है कि हमारे व्यवहार की सरकार रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे विचार की सरकार होगी तो दिक्कत आएगी। अपने उसूलों व विचारों के प्रति ईमानदारी बरतने वाला, उन्हें धारण करने व बरतने वाला दल राष्ट्रीय जनता दल इन मौजूदा चुनौतियों को महसूस करता है और तदनुरूप अपने विशाल जनसमूह को उनसे पार पाने के लिए तैयार करने हेतु भरसक प्रयास करता है। ऐसा कोई संसदीय या जनभाषण नहीं होगा जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने समाजवाद, सामाजिक न्याय व धर्मनिरपेक्षता के बारे में जनता को न समझाया। आज देश में कुछ बिचौलिए किस्म के लोग प्रबंधन के जरिए लोकतंत्र को साधना चाहते हैं। चंद उद्योगपतियों ने इस देश के अधिकतम संसाधन पर कब्जा जमा कर बैठा है और साधारण जनता त्राहिमाम कर रही है। देश को हर मुसीबत में परिवर्तन के पहिए के लिए जमीन मुहैया कराने वाला बिहार आज फिर से एक संदेश दे रहा है। मौजूदा सरकार के अधिनायकवादी चरित्र व दक्षिणपंथी विचारधारा के प्रसार में जुटे लोगों की छिछली अवसरवादिता ने सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रूपी नए हथियार के जरिए ब्लैकमेल की राजनीति को चलन में लाने की कोशिश की है। उसे परास्त करने के लिए संभव एकता के सिद्धांत को स्वीकार करना होगा,
जब कोई दुर्गुण संस्थागत रूप धारण कर ले तो उसे मिटाने के लिए सिस्टम को ठीक करने की आवश्यकता होती है, जिस व्यवस्था परिवर्तन की बात जेपी किया करते थे। आरजी करसोल कहते थे, स्वतंत्रता सतत सतर्कता की मांग करती है। Eternal vigilance is the price of liberty। आंतरिक व बाह्य संकट से जूझने व निबटने के लिए आपको हमेशा सजग व चौकस रहना पड़ता है। राजनीति, युग धर्म, काल धर्म, समाज धर्म, राष्ट्र धर्म, मानवता धर्म को एक साथ समेटे चलती है। इतिहासकार प्रोफेसर राकेश बटबयाल कहते हैं, घर जटिल रिश्तों की बुनावट है जो दोस्त, परिवार व परिजन को एक साथ बांधे रखता है। यह एक ऐसी जगह है जहां इंसान सामान्यतः बाहरी खतरे व आंतरिक अनिश्चितताओं से सुरक्षित रहता है। तथापि घर बनाना और कभी कभी उसे खुद घर से बचाना एक कठिन व संतापी कार्य है। हम सबको इस देश रूपी घर को बचाने एवं संवारने के काम में लगना होगा। मंडल आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल ने लिखा, समानता केवल समान लोगों के बीच होती है। असमान लोगों को समान स्तर पर रखने का मतलब है असमानता को बनाए रखना। स्वयं लालू जी लोहिया दर्शन को दोहराते रहे हैं कि जब वोट का राज होगा तो छोट का राज होगा। लेकिन अब मुल्क के हालात ऐसे हो गए हैं कि न्याय पर आस्था भारी है। क्षणिक राजनैतिक लाभ के लिए मानवता को दांव पर लगाने वाले नेता व पार्टी सबसे बड़े इंसानियत विरोधी हैं। जो सामाजिक सौहार्द एक बार दरक जाता है, विभिन्न समुदाय के बीच जब परस्पर विश्वास में दरार आ जाती है तो उसे वापस बहाल करने में दशकों लग जाते हैं। सद्भाव के बगैर देश नहीं बना करता। लोकतंत्र में चुनावी तंत्र की कुछ कमजोरियों का लाभ उठाकर सत्तासीन होने वाले लोग जब यह भूल जाते हैं कि जमहूरियत जुमलेबाजी से नहीं चला करती, न ही यह किसी की जागीर होती है, तो सामाजिक न्याय व सांप्रदायिक सौहार्द के लिए बड़ा संकट पैदा हो जाता है। चाहे पूर्ण बहुमत की सरकार हो या मिलीजुली सरकार, लोकराज लोकलाज से ही चलना चाहिए। आज स्थिति विकट है। एक तरफ विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, दुनिया भर में घूम घूम कर डंका पीटा जा रहा है, तो दूसरी ओर लोगों को गृहदाह की ओर धकेला जा रहा है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि आरंभ से इस देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि व पशुपालन पर टिकी हुई है। रहबरे आजम दीनबंधु सर छोटू राम से लेकर किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह तक, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री से लेकर बाबा महेंद्र सिंह टिकैत व ताऊ देवी लाल तक, सबने अन्नदाताओं की फिक्र की है। मगर सैकड़ों किसानों की शहादत के बाद कहीं जाकर सरकार ने कृषि संशोधन कानून वापस लिया। संस्कृति की बात करने वाले शायद भूल गए हैं, देयर इज नो कल्चर विदाउट एग्रीकल्चर, यानी कृषि के बगैर कोई संस्कृति नहीं है। 1962 के तीसरे लोकसभा चुनाव में जहां डॉक्टर लोहिया ने ग्वालियर की महारानी विजयाराजे सिंधिया के खिलाफ मेहतरानी सुखो रानी को खड़ा किया, वहीं महारानी बनाम मेहतरानी के डिबेट को आगे बढ़ाते हुए लालू प्रसाद जी ने 1996 में जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए पत्थर तोड़ने वाली भगवती देवी को लोकसभा का चुनाव लड़ाया और उनकी जीत हुई। लोहिया कहते थे कि बहस करो, विमर्श करो, वोट करो। उनकी सप्त क्रांति के सूत्र को पकड़कर हम चलें तो आज की विकराल चुनौतियों से पार पाने में सहूलियत होगी। सप्त क्रांति का लक्ष्य था नर नारी समता के लिए क्रांति, चमड़ी के रंग पर रची राजकीय आर्थिक और दिमागी असमानता के खिलाफ क्रांति, संस्कारगत जन्मजात जाति प्रथा के खिलाफ और पिछड़ों को विशेष अवसर के लिए क्रांति, परदेशी गुलामी के खिलाफ और स्वतंत्रता तथा विश्व लोक राज के लिए क्रांति, निजी पूजा की विषमताओं के खिलाफ और आर्थिक समानता के लिए तथा योजना द्वारा पैदावार बढ़ाने के लिए क्रांति, निजी जीवन में अन्यायी हस्तक्षेप के खिलाफ और जमहूरी पद्धति के लिए क्रांति एवं अस्त्र शस्त्र के खिलाफ और सत्याग्रह के लिए क्रांति। इस सप्त क्रांति के संबंध में डॉक्टर लोहिया ने कहा था, मोटे तौर पर ये सातों क्रांतियां संसार में एक साथ चल रही हैं। अपने देश में भी उनको एक साथ चलाने की कोशिश करनी चाहिए। जितने लोगों को भी क्रांति पकड़ में आई हो उसके पीछे पड़ जाना चाहिए और बढ़ाना चाहिए। बढ़ाते बढ़ाते शायद ऐसा संयोग हो जाए कि आज का इंसान सब नाइंसाफियों के खिलाफ लड़ता जूझता ऐसे समाज और ऐसी दुनिया को बना पाए कि जिसमें आंतरिक शांति और बाहरी या भौतिक
भरा पूरा समाज बन पाए। आज वंचितों अकलियतों के पास न तो मीडिया है, न यूनिवर्सिटी में यथोचित जगह, न ही जुडिशरी में उसकी नुमाइंदगी है। आरक्षण की लिटरली हत्या की जा रही है। लेटरल एंट्री के जरिए भारत सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी व डेप्यूटी डायरेक्टर बनाए जा रहे हैं। जिस रेलवे को 90,000 करोड़ का मुनाफा लालू जी ने दिया, वही गौरवशाली रेल बजट को खत्म कर रेलवे को बेचा नोचा खसोटा जा रहा है। ऐसे में आम जनता के पास सिर्फ वोट की ताकत है, जिससे वह अपनी मुल्क की तकदीर संवार सकता है। विश्वविद्यालयों पर हो रहा क्रूर हमला उतनी ही बुरी खबर है जितनी किसी विदेशी ताकत द्वारा देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर हमला। देश भर में ढाए जा रहे विश्वविद्यालयों की दीवारें चीख चीख कर कह रही हैं कि हमें इन असामाजिक तत्वों से बचा लो, ये देश तोड़ने वाले लोग हैं। दुनिया में कहीं भी सरकार बदलती है तो वे अपने संस्थानों को बर्बाद नहीं करते। ऑक्सफर्ड, कैम्ब्रिज, कैलिफोर्निया, कोलंबिया, हार्वर्ड आदि पर किसी भी सरकार की गिद्ध दृष्टि नहीं पड़ती। वे समझते हैं कि संस्थान निर्माण के बगैर राष्ट्र निर्माण की बात बेमानी है, लेकिन अपने यहाँ शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर कुछ लोग मुल्क की रूह को मसल देना चाहते हैं। ये भगत सिंह लोहिया के देश को जहालत की ओर ले जाना चाहते हैं। जहां लालू प्रसाद जी व राबड़ी जी ने मिलकर बिहार को 7 विश्वविद्यालय दिए, वहीं नरेंद्र मोदी ने कितने विश्वविद्यालय खोले, उल्टे बने बनाए संस्थानों को तबाह करने पर तुले हुए हैं। 21वीं सदी के तीसरे दशक में देश विषम परिस्थिति से गुजर रहा है, जबकि एक के बाद एक तमाम संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगे हैं। सरकार की अदूरदर्शी नीतियों व कॉरपोरेट घरानों पर मेहरबानी के चलते अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। जनपोषित विश्वविद्यालयों की फीस बेतहाशा बढ़ाई जा रही है। ये लक्षण मिनिमम गवर्नमेंट व मैक्सिमम गवर्नेंस की असलियत बयां कर रहे हैं। जिस तरह सरकार ने आरटीआई एक्ट में संशोधन कर उसे लुंज पुंज बना दिया है, उससे जाहिर होता है कि पारदर्शिता को लेकर इसका क्या रवैया है। फॉरेस्ट एक्ट, वन अधिनियम में छेड़छाड़ कर लाखों आदिवासियों को पहले ही बेघर कर दिया गया। पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस देश के आम जन को लगातार निशाने पर लिया गया है। पहलू खान, तबरेज अंसारी की लिंचिंग से लेकर कठुआ व उन्नाव की घटना इंसानियत पर धब्बा है। सांप्रदायिकता की आग में जनता को झोंक कर सत्ता तो हासिल की जा सकती है, मगर देश नहीं बनाया जा सकता। कश्मीर की जमीन ही नहीं, वहां के लोग भी हमारे हैं, उनके दुख दर्द भी हमारे हैं। इस भावना के साथ ही देश को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर कहते थे, नेशंस आर नॉट रन बाय बैलेट और बुलेट बट बाय द विल पावर ऑफ द पीपल, अर्थात राष्ट्र महज बैलेट या बुलेट से नहीं चलता, बल्कि यह लोगों की इच्छा शक्ति से चलता है। और लालू जी समझते हैं कि जनता की इच्छा शक्ति व उसके मनोबल को मजबूत करना ही राजनीतिक दलों व नेताओं का काम है। आज देश के अंदर संवैधानिक गरिमा, मूल्यों, मान्यताओं व मर्यादाओं को खरोंचे जाने के दौर में राजनीति की स्वायत्तता को मजबूत कर लोकतंत्र की जड़ों को सींचते हुए समाज को निराशा व हताशा के दौर से निकालने में महती भूमिका निभाते हुए संघर्ष की राह पर आगे बढ़ने की जरूरत है। राजनीति दबाव मुक्त होकर सही दिशा में चले, यह सुनिश्चित करना भी राजनीतिक कर्म व नैतिक दायित्व है। नोटबंदी से हुई आपदा, बेरोजगारी, कृषि संकट, आर्थिक मंदी और राष्ट्रीय स्तर पर आम आदमी की दशा में सुधार के लिए उठाए जाने लायक कदम पर हमें ठहर कर सोचना होगा। जब लालू राबड़ी सरकार बिहार में थी तो किसान भाइयों को प्रति बीघा पर माल गुजारी सिर्फ 3 से 5 रुपये देने होते थे। आज किसान इस कदर लाचार हैं कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े के मुताबिक 2021 में 5,563 कृषक मजदूरों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। हर 2 घंटे में एक कृषक मजदूर ने आत्महत्या की। फरवरी 2022 में लोकसभा ने जानकारी दी कि 2018 से 2020 के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में 17,000 किसानों ने खुदकुशी की। आंकड़े बताते हैं कि 2021 में दलितों और आदिवासियों के साथ अत्याचार के मामले में क्रमशः 1.2% और 6.4% की बढ़ोतरी हुई है, जिनमें भाजपा शासित उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश सबसे आगे। आए दिन बच्चियों और महिलाओं के साथ बलात्कार व हत्या की घटनाएं चिंताजनक हैं। 1 अक्टूबर 2022 का आंकड़ा है कि भारत में बेरोजगारी दर 6.5%, जिसमें शहरी भाग में 7.7% और ग्रामीण भाग में 6.0% है। हमें इन सभी चुनौतियों का
एकताबद्ध होकर संगठित तरीके से मुकाबला करना होगा ताकि देश को बेहतर व स्वस्थ बनाया जा सके, लोकतंत्र की नासाज रूह की तिमारदारी हो सके। लालू जी ने 2019 के नतीजे पर ठीक ही कहा था, किसी एक चुनाव के नतीजे विविधता व बहुलता से भरे देश भारत की सच्चाई को नहीं बदल सकते। यह गांधी, जेपी, टैगोर, लोहिया, पेरियार, ज्योतिबा फूले व अंबेडकर की धरती है और रहेगी। हमारी धरती युगों युगों से साझा संस्कृति का पालन रही है और आगे भी रहेगी। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आते जाते रहेंगे, लेकिन यह राष्ट्र अपने बहुसांस्कृतिक मूल्यों के साथ जिंदा रहेगा, बरकरार रहेगा। एक ऐसी पार्टी जो शिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, वंचना हर मोर्चे पर विफल रही है, कि चुनावी सफलता को इस रूप में व्याख्यायित करना कि इसने लोगों के सामाजिक सियासी व्यवहार में आमूलचूल बदलाव ला दिया है, उज्जटपन होगा। हाँ, यह विपक्ष की रणनीतिक विफलता है, इससे अधिक कुछ नहीं। भारत बड़ा और विविधतापूर्ण देश है, चुनाव नियमित रूप से होते रहते हैं। विपक्षी दलों को अपने अपने सूबों में अपनी रणनीतियों पर काम करना चाहिए, उन्हें अपने कार्यकर्ताओं व लोगों के मनोबल को बढ़ाते रहना चाहिए, जिन्होंने अन्यायपूर्ण व निरशंस हुकूमत के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी है। अपनी आरामदायक खोह से निकलकर उन्हें भारत के सुदूर देहात के गली कूचों, टोले मोहल्लों में जाकर लोगों के दुख दर्द में शरीक होना चाहिए, जल्द ही पासा पलट जाएगा। यह बिल्कुल सच है कि प्रचार तंत्र की ताकत से लोगों को बहुत दिन तक बहलाकर उनके असली मुद्दे से ध्यान नहीं भटकाया जा सकता। उन्हें रैली नहीं, रोटी चाहिए। इसीलिए यशस्वी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी दवाई, पढ़ाई, लिखाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई का आह्वान करते हैं और उस पर अक्षरशः काम करना शुरू कर दिया है। वे लोहिया के सूत्र को पकड़े हैं, प्रकृति का नियम जो भी हो, मनुष्य का नियम होना चाहिए समता। राष्ट्रीय जनता दल के इस खुले अधिवेशन में हम यह संकल्प लें कि विपक्षी एकता की मुहिम को तेज कर पूरे देश से उन्मादी शक्तियों को सत्ता से बाहर करेंगे एवं देश को बचाएंगे, संविधान प्रदत्त अधिकारों व आरक्षण को खत्म होने से बचाएंगे, सामाजिक सौहार्द व धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को संरक्षित करेंगे, नौजवानों, किसानों, महिलाओं, बुजुर्गों, उपेक्षितों की खुशहाली के लिए काम करेंगे, देश में अशांति फैलाने वाली आंतरिक व बाह्य ताकतों से मुकाबला करने में अपनी ऊर्जा जोड़ेंगे, भारत की साझा विरासत की हिफाजत के काम में अनवरत लगे रहेंगे। आइए हम सभी मिलकर भारत को समता, संपन्नता, शांति, सौहार्द व विश्व बंधुत्व के रास्ते पर आगे बढ़ाएं। शुक्रिया। जय हिंद। जय मंडल। जय भीम।